हेलो एवरीवन, वेलकम टू जायके का खजाना। आज हम बनाएंगे तंदूरी रोटी। तंदूरी रोटी आज हम लोग गैस पर बना रहे हैं, तवे पर। सबसे पहले एक बर्तन लिया है मैंने, उसमें 6 बड़े कप में मैदा ऐड कर रही हूँ। उसके बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट, ड्राई एक्टिव ईस्ट 1/2 टीस्पून लिया है मैंने, 4 स्पून शुगर ऐड कर रही हूँ, ऑयल ऐड कर रही हूँ मैं, कर्ड ऐड किया है मैंने इसमें। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है और बहुत अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। गुनगुने पानी से हमें इसको गूंदना है, बहुत ज़्यादा पानी गर्म नहीं होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए सिर्फ। अभी इसे हम क्वांटिटी के हिसाब से ही इसे आपको लगाना है, आपके क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। तो मेरी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और इसे थोड़ा सा सॉफ्ट ही गूंदना है, इसका डो जो है थोड़ा सॉफ्ट ही लगाना है। और इसे एक गर्म जगह पे, किचन के कोई ऐसे गर्म जगह पे जहाँ फ़ैन नहीं चालू हो या एसी ना हो, वो जगह पे इसे कवर करके हम पूरे 1 घंटे के लिए रख दें। अभी ये देखिए, इसे पूरा रेडी हो चुका है, आटा फूल चुका है, काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। उसको एक ही जगह पूरा अच्छे से कर लेंगे। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट है डो। अब हम बनाएंगे तंदूरी रोटी। थोड़ा सा ड्राई आटा ले लिया है और अच्छे से उसका एक पीड़ा निकालना है। जो साइज़ आपको चाहिए अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ड्राई आटे में उसको अच्छे से ये करना है और उसके बाद में उसे बेल लेना है। बेलने में आपको बहुत ज़्यादा आटा नहीं लगाना है, हल्का सा लगाना है। और अच्छी तरह से इसे बेलने के बाद एक साइड में आपको पानी लगाना है। पानी का सिरा जो है, पानी के साइड से आपको तवे के ऊपर डालना है वो पार्ट। ये देखिए, मीडियम गैस रखी है मैंने, फ्लेम को मीडियम ही रखना है आपको, ज़्यादा फास्ट नहीं रखेंगे। ये थोड़ा बबल की तरह ऊपर की साइड आते हैं, फिर तवे को उल्टा करके हमें दूसरी साइड से सेक लेना है। रोटी काफ़ी फूल जाती है, काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। दही डालने से रोटी काफ़ी अच्छी और काफ़ी सॉफ्ट बनती है, तो दही ज़रूर डालें, बहुत अच्छी लगती है और घर में बनाई बिल्कुल भी नहीं दिखती है, एकदम होटल स्टाइल है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, रेस्टोरेंट में जो हम खाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही लगती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी सॉफ्ट है। ये देखिए, इसे बनाते बनाते कवर करते जाएं तो ये गर्म रहती है और सॉफ्ट रहती है। वैसे हमने जो डो लगाया है वो डो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है और उसे रोटी जो बना रही है वो काफ़ी सॉफ्ट। सेम प्रोसीजर से दूसरी रोटी मैंने डाली है, पानी लगाया है और पानी का सिरा मैंने तवे की तरफ डाल दिया है। अब सेम प्रोसीजर हम कंटिन्यू पूरा जितनी रोटी बनानी है हमें, हम उस हिसाब से कर रहे हैं। 1.5 किलो आटे में मैंने लगभग 27 रोटी बनाई है, तो काफ़ी अच्छी बनती है। इसी तरह से आप बहुत अच्छे से बना करके कोई भी ग्रेवी के साथ में इसका मज़ा ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी टेस्टी लगती है। दिख रही है देखिए पूरी होटल स्टाइल। रेस्टोरेंट में हम लोग जब रोटी खाते हैं तो सेम ऐसे ही होती है, काफ़ी अच्छी लगती है और बहुत आसान है बनाने के लिए इसको। तो ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक से और आपके कमेंट से ही मैं और भी वीडियो बना बना के आप लोगों के आगे भेजती रहूँगी। सो प्लीज़ ट्राई दिस, बहुत इजी है बनाना और बहुत टेस्टी लगती है, ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, रोटी हमारी काफ़ी अच्छी और काफ़ी सॉफ्ट मुलायम बनी है। और ये रोटी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ एक एक डिस्प्ले करके, कि आपको लगे, कि आपको खुद पता चले कि वो कैसी बनी है, है ना। दिख रही है ना पूरी होटल स्टाइल। तो अब ये इस तरह से बनाएं, खाएं और मज़ा उठाएं। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग कुछ कमेंट्स करते हैं, तो अपने जो भी कमेंट्स हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। थैंक यू।